तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा SBI बैंक में आधार कार्ड कैसे लिंक करें। हाँ गाइस, अगर आपका अकाउंट SBI में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, आप भी अपने अकाउंट में आधार कार्ड को लिंक करना चाहते हो अपने मोबाइल फोन से, तो कैसे कर सकते हो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको एक सिंपल ट्रिक है, आपको वही आजमाना है। उसके बाद जो आपका आधार कार्ड है आपके बैंक अकाउंट में वो लिंक हो जाएगा। गाइस आपको करना क्या है, इसके लिए आपको अपना मोबाइल में मैसेज एप्लीकेशन को आपको ओपन करना पड़ेगा। आपको मैसेज एप्लीकेशन को ओपन करना है। अब यहाँ पे आपको नीचे मिल जाता है यहाँ पे स्टार्ट चैट का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे गाइस आपको ऊपर में एक नंबर टाइप करना है, 567676 आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको गाइस इसी नंबर पर मैसेज करना है। मैसेज में क्या करना है, सबसे पहले आपको कैपिटल लेटर में आपको टाइप करना है UID, आपको टाइप करना है, स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद गाइस आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। चलिए मैं यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख से मैं अपना आधार कार्ड नंबर डाल दिया हूँ। आधार कार्ड डालने के बाद आपको फिर से स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद अब यहाँ पे आपको अपना यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद अब यहाँ पे देख से मैं अपना अकाउंट नंबर डाल दिया हूँ। डालने के बाद आपको यहाँ पे सेंड पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो मैसेज है आपका सेंड हो जाएगा। उसके बाद गाइस आपको करना क्या है, कम कम आपको 24 घंटे तक वेट करना है, या आपको 48 घंटा भी लग सकता है। उसके बाद जो आपका आधार कार्ड है आपके बैंक अकाउंट में लिंक हो जाएगा। गाइस मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये जो SMS है आपको वर्किंग डे में आपको सेंड करना है। जैसे कि आपको शनिवार के दिन और संडे के दिन आपको इस SMS को आपको सेंड नहीं करना है। उसके बीच में अगर आप सेंड करेंगे तो आपका जो आधार कार्ड है आपके बैंक अकाउंट में लिंक हो जाएगा।